हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 10। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संत पौलुस तीतुस के पत्र में से आज हम सबों को शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, तुम ऐसे शिक्षा दो एक दूसरे को जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। सबको समझाओ वे संयमी रहें, समझदार बने, विश्वास में जीवन बिताएं, भातृ प्रेम उनमें हो और धैर्य के परिपक्व बन जाएं। मेरे प्यारे विश्वासियों, शायद यही ख्रीस्तीय नियम है, यही ख्रीस्त में जीने का एक लक्ष्य है कि मैं संयम से जीवन बिताऊं, समझदार हो जाऊं, विश्वास में दृढ़ बनूं, भातृ प्रेम में ईश्वर का प्रेम को एक दूसरे में बांटूं और जब विश्वास को अनुसरण करता हूं, धैर्य और परिपक्वता से मैं जीवन बिताऊं। मेरे प्यारे विश्वासियों, संत पौलुस वृद्धों को, युवकों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको समझाने के लिए कहते हैं और ये एक बात वो कहते हैं, सबको संयम से जीवन बिताना, एक अच्छा उदाहरण दूसरों को देना और गंभीरता से क्रिस्तीय जीवन को, क्रिस्तीय मूलों को अपने जीवन में अनुसरण करना। मेरे प्यारे विश्वासियों, वही इसी के बारे में शायद संत लूकस भी हमें समझाने की कोशिश करते हैं। विनम्रता, विनम्रता क्या है? यानी अपने आप को प्रभु के सामने नगण्य समझना, कुछ नहीं के बराबर समझना। हमें प्रभु के सामने काली बर्तन के समान होना है जो हमारा बर्तन भर देता है। किस चीजों से? अपने अच्छे गुणों से। इसलिए विनम्रता के बारे में आज संत लूकस हमें समझाते हैं। वह कहते हैं, हम अयोग्य सेवक हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यानी प्रभु के सामने हम अयोग्य सेवक हैं, अपने आप को क्रिस्ती के लाने योग्य भी नहीं, लेकिन प्रभु ने क्या किया? अपने शक्ति द्वारा, अपने अनुकंपा द्वारा, अपने कृपा द्वारा हम सबों को अपने कृपा से भर दिया। मेरे प्यारे विश्वासियों, क्या आप अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा, ईमानदार द्वारा, एक नेक इंसान का जीवन जीते हैं, आज्ञा पालन का जीवन जीते हैं? आइए आज पूछें, मेरा क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार का है? मेरा क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार का है? आ